हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। मैं विवेक शर्मा दोस्तों आपका वेलकम करता हूं। एंड दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मई 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपीपीएससी 2024 को देखते हुए मैंने टारगेट किया है। एंड दोस्तों, जितने भी एग्ज़ाम है, लाइक अगर हम आरपीएससी की बात करते हैं दोस्तों, बीपीएससी की बात करते हैं, या फिर कोई स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम लाइक एमपीपीएससी की बात करते हैं, उसमें भी दोस्तों ये सारी की सारी जो करंट अफेयर्स हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। यदि दोस्तों आपको इसी तरह का जो कंटेंट है वो चाहिए, तो द सिलेक्शन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो। और ये दोस्तों, यदि आपको पीटीए या पीपीटी चाहिए या फिर पीडीएफ चाहिए, तो दोस्तों मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है द सिलेक्शन क्लासेस, उसके साथ आप जुड़ जाइए, तो ये दोस्तों वहाँ पर आपको पीपीटी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज का पहला सवाल दोस्तों हम लोग लेते हैं। तो सवाल नंबर दोस्तों एक ये है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा दोस्तों। सवाल यह है कि द इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एक्सीबिशन, जिसको IMDEX 2023 और इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस IMSC जो एक्साइज है, ये किसने होस्ट करी। ऑप्शन है दोस्तों मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मॉरिशस। तो इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर है सिंगापुर। सिंगापुर दोस्तों यदि मैं बात करूँ तो सिंगापुर एशिया में आता है। एंड सिंगापुर का दोस्तों एक जो पोर्ट है, बड़ा फेमस पोर्ट है। एंड दोस्तों काफ़ी बिजीएस्ट पोर्ट है दुनिया का। एंड दोस्तों सिंगापुर की जो कमाई का जरिया है वो बेसिकली उसका पोर्ट ही है और उसका टूरिज्म है। तो सिंगापुर दोस्तों मलेशिया के जस्ट नीचे पड़ता है, आप देख पाएंगे उसके सदर्न डायरेक्शन में। यदि आपके पास वर्ल्ड मैप है तो आपको दोस्तों मुझे इसकी जो कैपिटल है कमेंट करके बतानी है। एंड दोस्तों आपको ये भी बताना है कि इसकी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है कौन कौन सी। इस तरह से दोस्तों यदि आप आंसर करेंगे क्वेश्चन का, तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन जो है साथ के साथ होती रहेगी। बिकॉज दोस्तों करंट अफेयर इसका मतलब क्या होता है कि ना सिर्फ आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है, बल्कि इसके आसपास की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके साथ दोस्तों आपको कनेक्ट करना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू की तरफ हम बात करते हैं। तो सवाल नंबर दो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा। सवाल बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द यूनियन ऑफ इंडिया टू गेट INDGAP सर्टिफिकेशन फ्रॉम द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड होने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा है। ऑप्शन है दोस्तों वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो भारत का एक तरह से कोस्टल वीकेंड से स्टेट है। एंड दोस्तों यदि हम कोस्टल स्टेट की बात करते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए भारत में कितने कोस्टल स्टेट हैं। एंड दूसरा दोस्तों, आंध्र प्रदेश में रिसेंटली जो इसकी कैपिटल है अमरावती हो गई है। इससे पहले दोस्तों जो कैपिटल थी हैदराबाद, वो दोस्तों पूरी की पूरी तरह जो है वो तेलंगाना के पास चली गई। ठीक है, हैदराबाद में यहाँ लिखना चाह रहा था HYDERABAD। ठीक है, तो हैदराबाद दोस्तों तेलंगाना की कैपिटल। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि तेलंगाना के इस समय CM कौन है और आंध्र प्रदेश के भी CM कौन है अलॉन्ग विद द गवर्नर। दोस्तों यदि आप मुझे कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली मुझे ये एहसास होगा कि आप चीज़ों को देख रहे हैं, ना सिर्फ देख रहे हैं दोस्तों, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि मैं दोस्तों वो सारी चीज़ें आपसे पूछूंगा जो कि अक्सर एग्ज़ाम में दोस्तों पूछी जाती है, खासकर स्टेट PCS एग्ज़ाम की यदि मैं बात करूँगा। ठीक है, तो आप दोस्तों आंध्र प्रदेश अगर हम हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, स्ट्रेटेजी के से, तो आंध्र प्रदेश दोस्तों वो पहला राज्य है जो कि भाषाई के आधार पर, भाषा के आधार पर दोस्तों गठित हुआ था। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन सी कमेटी थी जो कि स्टेट जो रीऑर्गेनाइजेशन है ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिक, उसकी कमेटी का आप मुझे यदि आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर दोस्तों तीन ये रहा जो कि G20 से रिलेटेड है। तो थीम ऑफ द G20 2023 जो कि भारत में हुई है या होने वाली है, उसकी दोस्तों थीम क्या है। तो दोस्तों यदि हम थीम की बात करेंगे तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है एक संस्कृत का वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, आपने दोस्तों ये काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा वसुधैव कुटुंबकम। आपको दोस्तों ये कमेंट करके बताना है वसुधैव कुटुंबकम जो फ्रेज़ है या सेंटेंस है वो कहाँ से लिया गया है। यदि हम जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट की बात करते हैं तो कहाँ से उसको लिया गया है। अब दोस्तों यदि मैं G20 के बारे में थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहूँ तो G20 में दोस्तों 19 देश हैं और एक दोस्तों यूरोपियन यूनियन नाम की एक संस्था है। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन। अब दोस्तों यदि मैं आपसे और थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करना चाहूँ तो G20 में दोस्तों जो 19 देश हैं उसमें दोस्तों जो G7 कंट्रीज़ हैं वो भी शामिल हैं दोस्तों, और जो ब्रिक्स नेशन है जिसमें हमारा भारत भी आता है ब्रिक्स नेशन में, वो भी दोस्तों शामिल है। ठीक है, तो 12 तो दोस्तों यही हो गए, बाकी आप मुझे साथ कमेंट करके बताना है इसकी मैट्रिक है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैट्रिक भी बता दूंगा। G7 हो गया। यदि मैं आपसे दोस्तों G7 की ट्रिक पूछना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ तो G7 में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, क्योंकि दोस्तों हाल ही में G7 की जो समिट है वो जापान में हुई थी। ठीक है, आपको याद होगा तो जापान में दोस्तों इसकी रिसेंटली समिट हुई थी। एंड दोस्तों G7 की यदि मैं बात करूँगा तो G7 की ट्रिक याद करने की है कि गर्लफ्रेंड के साथ जूस पिएंगे। आई होप दोस्तों दिख रहा होगा नीचे ग्रीन कलर से, गर्लफ्रेंड के साथ जूस पिएंगे। तो गर्लफ्रेंड में दोस्तों यदि मैं बात करूंगा तो G4 होता है दोस्तों, G4 है। एक मिनट,
इरेज करता हूँ दोस्तों मैं आपको, ठीक है, ये एक मिनट। गर्लफ्रेंड के साथ दोस्तों जूस पियेंगे, तो जी फॉर दोस्तों हो गए जर्मनी, फ्रांस, जे फॉर जापान, यू फॉर दोस्तों यूएसए, वी कैन से आई फॉर दोस्तों इटली, सी फॉर कनाडा, एंड लास्ट में दोस्तों ई फॉर इंग्लैंड, वी कैन से यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये दोस्तों 7 नेशन है जो कि G7 नेशन बनाते हैं। रिसेंटली दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो रशिया भी दोस्तों एक तरह से G7 का पार्ट था, उस टाइम पर इस ग्रुप का नाम दोस्तों G8 हुआ करता था, लेकिन दोस्तों जब रशिया ने क्रीमिया के ऊपर एक तरह से एनेक्जेशन कर लिया, उसके बाद दोस्तों रशिया को वहाँ से एक्सपेल कर दिया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज लॉन्च्ड ए डिजिटल करेंसी बाय इंट्रोड्यूसिंग टोकन्स दैट आर बैक्ड बाय द गोल्ड रिजर्व एंड दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन पीपल एंड द बिजनेस टू फॉर्म एज ए पेमेंट। ठीक है, तो पेमेंट सिस्टम एक तरह से उन्होंने जनरेट करने की कोशिश करी है, और दोस्तों डिजिटल करेंसी लॉन्च करी है, और उस डिजिटल करेंसी को एक तरह से टोकन्स के फॉर्म में दोस्तों इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। एंड दोस्तों यदि मैं बात करूँ तो ये जो कंट्री है इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों दैट इज़ जिम्बाब्वे। ठीक है, तो जिम्बाब्वे दोस्तों एक अफ्रीकन कंट्री, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा ही हुआ है, जिम्बाब्वे की दोस्तों जो कैपिटल है वो हरारे है। ठीक है, जो हार गया वो हरारे दोस्तों, तो जिम्बाब्वे की कैपिटल दोस्तों हरारी है। एक दोस्तों यहाँ से बड़ी फेमस ही रिवर है जाम्बेजी। ठीक है, तो जाम्बेजी रिवर दोस्तों आपको मैप में ज़रूर देखनी है, जाम्बेजी रिवर। ठीक है, जाम्बेजी रिवर दोस्तों आपको देखनी है वहाँ पर, जाम्बेजी रिवर। ठीक है, आप दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना, एक रिवर है ऑरेंज रिवर। ठीक है, ऑरेंज रिवर जैसे मेरा कलर का मार्कर है, ऑरेंज रिवर दोस्तों कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कौन से कंट्री की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है दोस्तों ऑरेंज रिवर। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। दोस्तों बीच बीच में इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, सो दैट आपको भी फायदा हो एंड दोस्तों आपके दोस्तों को भी फायदा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल एशियन कंट्री। ठीक है, तो जो सेंट्रल एशियन दोस्तों यदि हम कंट्रीज़ की बात करते हैं तो कार नेशन है दोस्तों, कार नेशन बोलते हैं इनको, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। तो कार नेशन में दोस्तों कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं यदि उसकी बात करें तो आपको ये मुझे कमेंट करके बताना है कि कितने कंट्रीज़ ऐसे हैं जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में आते हैं। ठीक है, तो इन्होंने दोस्तों कौन सा ऐसा सेंट्रल एशियन कंट्री है जो कि अपना जो संविधान है रीराइट द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इन द रेफरेंडम दैट प्रोमिस्ड मोर फ्रीडम टू द पीपल ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक। ठीक है, तो दोस्तों ये जो देश है जिसका सही आंसर दोस्तों यदि हम बात करेंगे तो है उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान दोस्तों इसका सही उत्तर है। यदि दोस्तों थोड़ा सा उज्बेकिस्तान के बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ये फॉर्मली तो बेसिकली दोस्तों जो उज्बेकिस्तान है वो USSR का पार्ट था दोस्तों, एंड USSR आपको पता होगा जो आज के टाइम में रशिया है उसका वन ऑफ द प्रोमिनेंट एक कंट्री है। 15 कंट्रीज़ में दोस्तों एक तरह से वो डिसइंटीग्रेट हो गया था USSR, उज्बेकिस्तान दोस्तों को सही उत्तर है। एंड यदि दोस्तों मैं उज्बेकिस्तान की बात करूँगा, ये दोस्तों डबल लैंड लॉक कंट्री है। अब दोस्तों डबल लैंड लॉक कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होती हैं जैसे मान लो दोस्तों एक कंट्री है ए, इसके अगल बगल की दोस्तों जो कंट्रीज़ हैं उनके आसपास भी दोस्तों सी नहीं है। ठीक है, तो ये दोस्तों उज़्बेकिस्तान बीच में फंसा हुआ एक कंट्री है, इसके आसपास की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ भी दोस्तों डायरेक्ट एक्सेस टू वाटर नहीं है। उसके आसपास दोस्तों उसके बाद की बात करूँगा तब जाके दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस मिलता है सी का। तो ठीक है, इसका आंसर दोस्तों उज़्बेकिस्तान है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। सवाल नंबर 206 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, रिसेंटली दोस्तों US बेस्ड फर्स्ट रिपब्लिक बैंक वॉज क्लोज्ड बाय द लोकल रेगुलेटर एंड एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद डैश टू परचेज एंड अज्यूम ऑल डिपॉजिट एंड एसेट ऑफ द ट्रबल बैंक इन बिड टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर। ठीक है, तो दोस्तों हाल ही में जो US बेस्ड जो पहला रिपब्लिक बैंक था उसको बंद कर दिया गया था बेसिकली लोकल रेगुलेटर्स के द्वारा, और दोस्तों एक तरह से वो एग्रीमेंट में रहे। और आपको दोस्तों ये बताना है कि जो एग्रीमेंट है वो किस किस के बीच में है, टू परचेज एंड अज्यूम ऑल डिपॉजिट, जितना भी दोस्तों वहाँ पे एसेट था डिपॉजिट था उसको दोस्तों उन्होंने परचेज कर लिया एंड इन विद टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिटर। तो जिससे कि डिपॉजिटर जो कि जिन्होंने पैसा निवेश करा था बैंक में, अपना पैसा डिपॉजिट करा था, उनका नुकसान ना हो। तो दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो JP Morgan दोस्तों जो चेज बैंक है इन्होंने दोस्तों पार्टनरशिप करी, और ये दोस्तों अब JP Morgan के पास में इसका बैंक का रेगुलेशन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर, इंडियाज़ फर्स्ट रीसेटलमेंट कॉलोनी फॉर द पीपल अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज ओपनिंग। ठीक है, तो दोस्तों पहली रीसेटलमेंट कॉलोनी जो कि उन लोगों के लिए जो कि अफेक्ट हुए हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो कहाँ पर दोस्तों खोली जाएगी। एंड इस सवाल का दोस्तों जो सही उत्तर ऑप्शन है आपके पास गुजरात, गोवा, केरला और ओडिशा। एंड दोस्तों ओडिशा इज़ द राइट आंसर फॉर इट। ओडिशा में दोस्तों अभी जो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं आपको पता होगा, एंड दोस्तों ओडिशा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर है। एंड दोस्तों भुवनेश्वर को
टेंपल सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है दोस्तों, भुवनेश्वर को टेंपल सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और जो एक बड़ी फेमस दोस्तों जगन्नाथपुरी की यात्रा है वो भी दोस्तों भुवनेश्वर में ही निकलती है। आप मुझे बताइए जो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो कौन से भगवान के लिए डेडिकेटेड है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेम द इंडियाज़ टेनिस एस। ठीक है, कौन सा इंडिया का ऐसा प्लेयर है जो कि पहला दोस्तों बिकम द कंट्रीज फर्स्ट प्लेयर टू विन एन ATP चैलेंजर इवेंट ऑन द यूरोपियन क्ले कोर्ट। ठीक है, तो यूरोपियन क्ले कोर्ट में दोस्तों ATP चैलेंजर टूर्नामेंट जीतने वाला पहला भारतीय दोस्तों कौन सा टेनिस प्लेयर बन गया है। ऑप्शन है दोस्तों प्रणय रॉय, मृणाल देशपांडे, अंकित भट्टाचार्य एंड लास्ट में दोस्तों सुमित नागल। तो इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सुमित नागल। ठीक है, तो सुमित नागल ने दोस्तों ये इतिहास रचाया है, भारत का पहला है दोस्तों ऐसे ये टेनिस प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने ATP चैलेंजर टूर्नामेंट जीता दोस्तों यूरोपियन क्ले कोर्ट में। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों ये रहा, इनमें से दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज बिल्डिंग वर्ल्ड फर्स्ट परमानेंट इलेक्ट्रीफाइड रोड फॉर EVs टू चार्जिंग वाइल ड्राइविंग। दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी है दोस्तों। दुनिया की जो कंट्रीज़ हैं दोस्तों अभी रोड बना रही हैं, लेकिन दोस्तों जो स्वीडन है, इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर स्वीडन है। स्वीडन दोस्तों क्या कर रहा है, उसने दोस्तों ऐसी रोड बनाने का जिम्मा उठा लिया है 2040 तक दोस्तों कंप्लीट करेगा, जहां पर दोस्तों यदि कोई भी व्हीकल इस रोड के ऊपर चलेगा तो ऑटोमेटिकली दोस्तों जो व्हीकल है वो चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो दोस्तों चार्ज हो जाएगा। ये दोस्तों बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आने वाले टाइम में आई होप के जितनी भी कंट्रीज़ हैं दोस्तों वहाँ पर इसको देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों यदि रोड पर व्हीकल चलेंगे तो ये वहाँ पर दोस्तों ये चार्जेज बन जाएंगे। स्वीडन की दोस्तों यदि मैं बात करूँ, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम एंड दोस्तों यहीं से जो नोबेल प्राइजेज हैं इनकी शुरुआत हुई थी, नोबेल प्राइजेज की शुरुआत हुई थी। आपको दोस्तों कमेंट करके बताना भारत का पहला दोस्तों नोबेल जो लॉरिएट है उनका क्या नाम था एंड दोस्तों उनको कौन सी फील्ड के लिए नोबेल प्राइज मिला था। एंड दोस्तों यदि मैं बात करूँ पहला जो नोबेल पीस प्राइज है, ठीक है, तो दोस्तों जो जितने भी पीस प्राइज है, यदि जो नोबेल प्राइज है दोस्तों कितनी कैटेगरीज में दिए जाते हैं, नोबेल दोस्तों जो प्राइजेज हैं वो 6 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। एंड दोस्तों कौन कौन सी कैटेगरीज, जैसे फिजियोलॉजी हो गया दोस्तों, केमिस्ट्री हो गया दोस्तों, फिजिक्स हो गया, ठीक है, फिजियोलॉजी को बायोलॉजी भी बोल सकते हैं, वी कैन से इकोनॉमिक्स हो गया दोस्तों, उसके बाद इकोनॉमिक्स के बाद दोस्तों पीस प्राइज हो गया दोस्तों, एंड एक है इकोनॉमिक्स हो गया एंड दोस्तों लिटरेचर हो गया। ठीक है, तो ये 6 फील्ड में दोस्तों दिया जाता है नोबेल पीस प्राइस। तो इसमें से दोस्तों पांच जो प्राइजेज हैं वो स्टॉकहोम से दिए जाते हैं दोस्तों, जो पीस प्राइस है वो नॉर्वे से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है दोस्तों, नॉर्वे से। नॉर्वे की दोस्तों जो कैपिटल है उसका नाम है ओस्लो। ठीक है, ये दोस्तों यूरोपियन कंट्री है दोनों की दोनों, आपको मैप में दोस्तों ज़रूर से देखना है। ये दोस्तों थोड़ा सा आपको ये हौच-पौच लगता होगा, बट दोस्तों थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है स्पेस का, इसलिए दोस्तों मैं इस तरह से लिख पाता हूँ। आपको चीज़ों को जब मैं बोलता हूँ तभी इसे दोस्तों समझ लेना चाहिए। तो स्वीडन इस सवाल का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं। सवाल दोस्तों 10 ये है, हु अमंग द फॉलोइंग वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ पैराग्वे रिसेंटली। दोस्तों पैराग्वे में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए उसको दोस्तों किसने जीता है। इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर है सेंटियागो पेना। ठीक है, तो सेंटियागो पेना दोस्तों वहाँ के अभी नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है कि जो पैराग्वे है उसकी कैपिटल दोस्तों कहाँ पर है, मतलब क्या नाम है उसकी कैपिटल का, एंड दोस्तों ये जो कंट्री है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आती है। यदि दोस्तों आप इसका आंसर बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, कॉन्टिनेंट की स्पेलिंग जो है वो गलती हो गई है, कॉन्टिनेंट में लिखना चाह रहा था CONTINENT। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये मुझे कमेंट करके बताना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सवाल नंबर 211 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड एज द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ LIC ऑफ़ द कंट्रीज़ बिगेस्ट इंश्योरेंस। ठीक है, तो जो LIC जो कि भारत का सबसे बड़ा जो एक तरह से इंश्योरर है, उसका दोस्तों फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव चुना गया है। किसको, देवाशीष पांडा को, सिद्धार्थ मोहंती को, विक्रम किर्लोस्कर को, या फिर दोस्तों राहुल नंदा जी को। तो इस सवाल का दोस्तों जो सही उत्तर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ मोहंती। दोस्तों सिद्धार्थ मोहंती जी को LIC का दोस्तों यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव चुना गया है। एंड दोस्तों LIC की यदि मैं बात करता हूँ तो LIC दोस्तों एक तरह से भारत की सबसे बड़ी दोस्तों इंश्योरर कंपनी है, जो कि लोगों का एक तरह से इंश्योरेंस करती है, लाइफ इंश्योरेंस भी करती है, डिफरेंट टाइप के दोस्तों इंश्योरेंस भी करती है। दोस्तों गवर्नमेंट का भी इसमें काफ़ी अच्छा स्टेक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ यदि हम मूव करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द एनालिटिक्स फर्म केपलर, एक दोस्तों कंपनी है केपलर, विच कंट्री हैज़ बिकम यूरोप्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल्स। ठीक है, तो इस कंपनी के डेटा के अनुसार दोस्तों यूरोप की लार्जेस्ट दोस्तों सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल वाली कौन सी
विच कंट्री हैज़ बिकम द यूरोप से लार्जेस्ट। ठीक है, तो यूरोप की दोस्तों कंट्री बोल रहा है, तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ से आपको पता ही चल जाएगा ये कौन कौन से ऑप्शन। इंडिया दोस्तों यूरोप में नहीं आता, यूएसए भी नहीं आता, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं आता दोस्तों, कनाडा इस सवाल का डेफिनेटली दोस्तों सही उत्तर होना चाहिए। डेफिनेटली कनाडा इसका सही उत्तर है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एंड दोस्तों कनाडा भी यहाँ पे आई थिंक यूरोप में नहीं आता। विच कंट्री हैज़ बिकम यूरोप्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रीडिफाइंड फ्यूल्स। ठीक है, तो आई थिंक दोस्तों ये सवाल ये बोलना चाह रहा है कि यूरोप को सप्लाई करने वाला दोस्तों ये कौन सा लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ यूरोप का दोस्तों लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल्स दोस्तों कौन सी कंट्री हो गई है। तो इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर है कनाडा। कनाडा की दोस्तों यदि हम कैपिटल की बात करेंगे, ओटावा दोस्तों इसका राजधानी है दोस्तों कनाडा। एंड जो यूएसए का दोस्तों एक तरह से नेबरिंग कंट्री है कनाडा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों हम मूव करते हैं। एंड दोस्तों यूएसए और जो कनाडा है ये नॉर्थ अमेरिका के दोस्तों देश है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका वर्ल्ड में दोस्तों आपको देखना चाहिए नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रिसेंटली द ऑथर बैटल लीफ ऑफ टेस्ट गॉट द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, तो दोस्तों जीआई टैग जो भारत में दिया जाता है 10 वर्षों के लिए इसका इनिशियल लाइसेंस दिया जाता है, उसके बाद दोस्तों इसको रिन्यू भी किया जाता है। सवाल दोस्तों ये है कि ऑथर बीटल लीफ, ठीक है ऑथर नहीं था सॉरी दोस्तों ऑथर बीटल लीफ कहाँ का है दोस्तों जिसको जीआई टैग दोस्तों रिसेंटली दिया गया है। तो इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तमिलनाडु। तमिलनाडु दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है, तमिलनाडु का दोस्तों जीआई टैग है दैट इज़ ऑथर बीटल लीफ। ठीक है, पिछले वाले दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं रिकनेक्ट या एक तरह से रीचेक करना चाहूँगा क्योंकि मुझे दोस्तों डाउट था कि इसका आंसर क्या होगा एंड अकॉर्डिंग टू द कैपलर फर्म। ठीक है, तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर भारत है। ठीक है, इस सवाल का दोस्तों उत्तर भारत है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज़ इंडिया। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द कैपलर, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि इंडिया ने दोस्तों रिसेंटली जो रशिया है वहाँ से दोस्तों रशिया ने डिस्काउंटेड प्राइस पे इंडिया को दोस्तों फ्यूल भी प्रोवाइड किया था। तो विच कंट्री हैज़ बिकम यूरोप्स लार्जेस्ट सप्लायर। ठीक है, आई थिंक यूरोप्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ द रिफाइंड फ्यूल्स। ठीक है, तो इंडिया दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है। आई थिंक ये ऐसा पूछना चाह रहा है कि यूरोप का ऐसा कौन सा देश है जो कि सबसे ज़्यादा आई थिंक फ्यूल प्रोवाइड कर रहा है। इस क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों मुझे भी अभी एक डाउट है बट लेट मी चेक। आई थिंक इंडिया इसका सही उत्तर दे रखा है, एक बार दोस्तों आप भी देख लेना, आई विल चेक इट आउट। ठीक है, नो डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सवाल नंबर 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ प्रपोज्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट टू बी बिल्ट इन। ठीक है, तो दोस्तों जो चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका प्रपोजल है कि वो उसको बनाया जाएगा, वो दोस्तों कहाँ पर बनाया जाएगा। तो दोस्तों सवाल नंबर जो 14 है इसके ऑप्शन है चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, मंडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP, रतलाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP एंड ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो इस सवाल का दोस्तों यदि हम सही ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी है दैट इज़ मंडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP में दोस्तों जो चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसका दोस्तों प्रपोजल है। तो ये दोस्तों यूपी में आपको दोस्तों एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका नाम है नरोरा। ठीक है, तो नरोरा में दोस्तों यूपी में एक पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट नरोरा यूपी में पड़ता है। तो दोस्तों आंडला जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी दोस्तों चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाएगा भविष्य में। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, नेम द कैश स्ट्रैप्ड इंडियन एयरलाइन विच फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स ब्लेमिंग फॉल्टी प्रेट एंड वाइटनी इंजन्स फॉर ग्राउंडलिंग ऑफ अबाउट हाफ इट्स फ्लीट। ठीक है, तो दोस्तों कौन सी ऐसी भारत की एयरलाइंस हैं जो कि बैंक्रप्सी दोस्तों उनके लिए फाइल की गई है, विच फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स, उनके दोस्तों ब्लेम लगाया गया है फॉल्टी प्रेट एंड वाइटनी इंजन्स फॉर ग्राउंडिंग ऑफ अबाउट हाफ ऑफ इट्स फ्लीट। ठीक है, तो ये दोस्तों जो एयरलाइंस है इसका नाम है ऑप्शन नंबर डी गो फर्स्ट। ठीक है, तो गो फर्स्ट नाम की दोस्तों जो भारत की एयरलाइंस है उसको दोस्तों बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स के लिए दोस्तों उसका नाम सामने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सवाल नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू बी डिक्लेयर ODF, ठीक है ओपन डिफेक्शन फ्री, ठीक है प्लस, ठीक है ODF प्लस दोस्तों जो रैंकिंग पाने वाला या जो एक तरह से टैग पाने वाला कौन सा भारत का राज्य बना है, या नॉट राज्य एक्चुअली इट इज़ आस्किंग कि कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट बनी है। ठीक है, तो वायनाड, इंदौर, कोटा और वलसाड, तो इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर है वायनाड। ठीक है, तो वायनाड दोस्तों वही है जो कि जहाँ से राहुल गांधी जी जो है
एमपी बन के आए थे, क्योंकि दोस्तों अमेठी से वो हार गए थे। तो राहुल गांधी ने दोस्तों वायनाड से भी चुनाव लड़ा था, एंड दोस्तों राहुल गांधी वहाँ से एक तरह से सांसद हैं। और राहुल गांधी की दोस्तों जो अभी डिसक्वालिफिकेशन एज एन एमपी, आपको ये न्यूज़ भी पता होनी चाहिए डेफिनेटली। किस दिन इसके बारे में भी विस्तारपूर्वक हम लोग दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 17 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो वाशिंगटन डिक्लेरेशन इज़ बेस्ट अंडरस्टूड एज ए सॉफ्टवेयर अपग्रेड फॉर द अलायंस, ठीक है। तो वाशिंगटन डिक्लेरेशन एक तरह से सॉफ्टवेयर अपग्रेड का काम कर रहा है, कौन कौन सी दो कंट्रीज़ के लिए। जैसे दोस्तों भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से हमेशा एंटी रहते हैं, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर जो US और साउथ कोरिया है, ठीक है, US और साउथ कोरिया दोस्तों इनके लिए एक तरह से सॉफ्टवेयर अपग्रेड का काम कर रहा है वाशिंगटन डिक्लेरेशन। साउथ कोरिया की दोस्तों जो कैपिटल है वो सियोल है, एंड दोस्तों USA की कैपिटल आप सबको पता होगी वाशिंगटन DC है, एंड साउथ कोरिया दोस्तों एक तरह से एशिया में पड़ता है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि साउथ कोरिया जो है वो नॉर्थ कोरिया के साथ में जो सेपरेट होता है तो कौन से चैनल के साथ में सेपरेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सवाल नंबर 18। द सेंटर हैज़ डिसाइडेड टू नॉमिनेट चराईदेव मैडम्स इन डैश फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर इन दिस ईयर, ठीक है। तो चराईदेव जो मैडम्स हैं वो कहाँ पर हैं, जिनको सेंटर ने डिसाइड किया है, दैट इज़ यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि उनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए एक तरह से वो नॉमिनेट करेंगे। तो इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर है आसाम। आसाम की दोस्तों जो कैपिटल है वो दिसपुर है, एंड दोस्तों इसी का एक पड़ोसी राज्य है मणिपुर, जहाँ पे दोस्तों अभी इस तरह से सिविल थोड़े से राइट चल रहे हैं, वहाँ पर दोस्तों इंटरनल क्राइसिस हैं, एंड वहाँ पे दोस्तों जो दो ट्राइब्स हैं कुकी और माइती उनको लेके आपस में दोस्तों वहाँ पर विवाद चल रहा है कुकी और मैती को लेके। आप दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सी जनजाति ऐसी है, ट्राइब ऐसी है कुकी या मैती में से जिसके पास ST ट्राइब का एक तरह से तमगा है, या फिर जो कि उसको ST जो ट्राइब है वो कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सवाल नंबर 19। रिसेंटली अजय बंगा वाज सेलेक्टेड एज अ नेक्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। तो भारत के दोस्तों जो अजय बंगा हैं, एंड ये दोस्तों मास्टर कार्ड के पहले CEO भी रह चुके हैं, उनको दोस्तों वर्ल्ड बैंक का दोस्तों CEO एक तरह से नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। दोस्तों यदि हम वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वाशिंगटन में है, अगर मैं गलत नहीं, तो हाँ दोस्तों वाशिंगटन में ही है। और दोस्तों वर्ल्ड बैंक की जो एक से साथ एक और बैंक है जो कि हमेशा इसके साथ नाम जोड़ता है IMF, इनको दोस्तों ट्विन सिस्टर्स भी बोला जाता है। एंड दोस्तों जो ब्रिटेन वुड जो एक तरह से डिक्लेरेशन है उसी के तहत दोस्तों ये जो वर्ल्ड बैंक और IMF हुए थे। एंड दोस्तों IMF की यदि मैं बात करूँ तो ये दोस्तों बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि उन कंट्रीज़ को लोन देता है जो कि किसी न किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से दोस्तों गुजर रहे होते हैं। एंड दोस्तों वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन देता है डेवलपमेंट के लिए। इससे पहले दोस्तों आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो नेम द अवार्ड विनिंग ब्रिटिश इंडियन प्लेराइट एंड एक्टर हु विल बी प्रेजेंटेड विद BAFTA, ठीक है। BAFTA दोस्तों जो अवार्ड है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट फेलोशिप, द हाइएस्ट एकोलेड बेस्टोड अपॉन एन इंडिविजुअल इन रिकॉग्निशन ऑफ एन आउटस्टैंडिंग एंड एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू फिल्म गेम्स और टेलीविजन, ठीक है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा भारत का ब्रिटिश इंडियन दोस्तों व्यक्ति है जिसको दोस्तों BAFTA का अवार्ड मिलेगा, और दोस्तों एक तरह से हाइएस्ट एकोलेड है जो कि किसी इंडिविजुअल को दिया जा सकता है वो कि उसके फिल्म गेम्स या टेलीविज़न में कंट्रीब्यूशन के लिए। तो इस सवाल का दोस्तों जो सही उत्तर बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर D दोस्तों मीरा सयाल, ठीक है। तो मीरा सयाल दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है।